अयोध्या में धर्म पथ पर सूर्य स्तंभ स्थापित किया जा रहा है। अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार ने बताया है कि लता मंगेशकर चौक के पास धर्म पथ पर आरंभ और समापन बिंदु के बीच नियमित अंतर पर सूर्य स्तंभ स्थापित किया जा रहा है। इस बीच प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। राम जन्मभूमि पर रामलला विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए निकाली गई पूज्य अक्षय कलश शोभा यात्रा में भीड़ उमड़ पड़ी। पवित्र तीर्थों मंदिरों में पूजन के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय स्थित डॉक्टर हेडगेनवार भवन जॉर्ज टाउन से शोभा यात्रा निकाली गई। अयोध्या राम की पहली धर्म पथ पे 40 सूर्य स्तंभ बन रहे, क्या है, कैसे लगेगा, कैसे नहीं? धर्म पथ पे रेगुलर स्पेसिंग पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट है लता मंगेशकर चौक के पास, वहाँ पे हम लोग सूर्य स्तंभ बना रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारे लगभग 90 हमारे प्लेटफॉर्म्स ये बनेंगे, साइनेज बोर्ड बढ़ेंगे, काफ़ी बड़े आपने देखा होगा, उस पे भी रामायण पे आधारित जो प्रसंग है उसको चित्रित किया जाएगा। म्यूरल पेंटिंग्स होंगे और इसमें बहुत सारे कलाकार लगे हुए हैं उसमें, और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जो कलाकृति है उसको बना के वहाँ पे लगाया जाएगा। सूर्य स्तंभ कैसे यहाँ आने वाले श्रद्धालु सूर्य भगवान सूर्य? हाँ बिल्कुल, उसमें काफ़ी ग्रैंड होगा और काफ़ी अच्छा लगेगा, और जब ये निकल के आएगा तो आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद लोग फिर कमेंट करेंगे किस तरह का, क्या उसका बेहतर लग रहा है, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। तो काफ़ी अच्छा है, हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट बनाया है काफ़ी अच्छा है, और उसमें जो हमने बताया कि पूरे बोर्ड्स भी लगेंगे, काफ़ी चौड़ाई में रहेंगे, दोनों साइड में रहेगा, उसके बाद भी हम लोग उसका रोड वहाँ पर और चौड़ीकरण कर रहे हैं, तो काफ़ी बेहतर दिखेगा उसमें। कहा जाता है सूर्यवंशी भगवान राम की याद वहीं से तरोताजा हो जाएगी। बिल्कुल, हम लोग जो भी जो हमारे प्रमुख मार्ग हैं उसमें हम लोग द्वार भी बना रहे हैं, तो वो द्वार भी ग्रैंड रहेगा, और उसमें जो यहाँ का अयोध्या का जो थीम है उसको लेते हुए उसको हम लोग बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट टीम, टॉप स्टोरी न्यूज़।